हेलो माय डियर फैमिली, एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। एक बिचारी बहन थी जो अपने भाई के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट थी। कुछ भी होता था भाई को बोलती थी, भाई आता था, गुंडों से लड़ता था, बहन की रक्षा करता था। कैसे लगी कहानी? बोर करती है ना? अरे यार नहीं मजा आता, क्योंकि हम बहुत टाइम से ये सेम प्लॉट देखते आ रहे हैं, बहुत बार देख चुके हैं। और क्या है कि रियल लाइफ में सिर्फ ये सिनेरियो नहीं होता ना, ऐसी बहनें भी होती है कि कुछ हो तो भाई के आने का वेट नहीं करेगी, जब तक भाई आएगा ना गुंडों की बैंड बजाकर रख देगी, ऊपर से भाई को बोलेगी कि कुछ भी प्रॉब्लम हो ना मेरे को बोलना। लेकिन ऐसी बहनों के बारे में फिल्मों के अंदर बात नहीं होती है, बट अब इसके ऊपर पूरी फिल्म ही बना दी है। मैं बात कर रहा हूँ जिगरा मूवी की, जो कि आज रिलीज हुई है, मैंने देख ली है फर्स्ट डे फर्स्ट शो। तो करते हैं बात की वर्थ वॉचिंग है कि वही घिसा पीटा माल है। फिल्म के अंदर सत्या जो कि बड़ी बहन है, जिसका किरदार किया है आलिया भट्ट ने, और उसका एक छोटा सा भाई है जिसका नाम है अंकुर। इन दोनों भाई बहन का पास्ट बहुत ही डार्क है, उनकी सोशल लाइफ बहुत ही डिस्टर्ब्ड रही है। क्या हुआ था उनके साथ ये आप फिल्म में देखना। लेकिन तब से ये जो सत्या है वो अंकुर की माँ, बाप, बहन, भाई, दोस्त सब कुछ है। सत्या अपने भाई अंकुर के लिए कुछ भी कर सकती है, वो बस सेफ रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, उसका सिंपल सा फंडा है। अब मूवी की बात करें तो ट्रेलर आपने देखा ही होगा, ये जो छोटा भाई है अंकुर वो किसी और देश के अंदर एक जेल में फंस जाता है जहां से निकलना नामुमकिन। उसको होने वाली है मौत की सजा और टाइम बहुत कम। तो ऐसे हालातों में सत्या क्या करेगी और अकेली लड़की क्या ही कर सकती है? अंकुर जेल में क्यों है, उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, उसने ऐसा क्या किया था, ये सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे। फिल्म की कहानी इंटरेस्टिंग है, इमोशनल और रिलेटेबल है, साथ में थ्रिल और सस्पेंस भी बड़ा रोल प्ले करते हैं इस कहानी में। फर्स्ट हाफ में कुछ ऐसे ट्विस्ट है जो थिएटर में सन्नाटा फैला देते हैं। सेकंड हाफ के अंदर सत्या का पागलपन कह सकते हैं, उसकी डेयरिंग एक्शंस और प्रिजन ब्रेक सीक्वेंसेस मजेदार है। सत्या का कैरेक्टराइजेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक छोटी बच्ची जिसने इतना डार्क पास्ट देखा हो, उसके मन में कितनी आग होगी, कितना गुस्सा होगा, कितना फ्रस्ट्रेशन होगा, वो कितनी मैच्योर हो जाएगी दुनियादारी को लेकर, फैमिली को लेकर, जिम्मेदारी को लेकर। वो आग, वो फ्रस्ट्रेशन, वो मैच्योरिटी, वो एंगर, जब वो अपने छोटे भाई से कहती है कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं, तू मेरे प्रोटेक्शन में है क्योंकि तू मुझसे राखी बंधवाता है ना, तुझे कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि मैं हूं, ये जो फील है ना भाई, वो पेनिट्रेट करता है आलिया भट्ट के परफॉर्मेंस की वजह से। आलिया भट्ट का परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही प्योर एंड ऑनेस्ट लगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई और एक्ट्रेस इस किरदार को इतना जस्टिस दे पाती, इतना डीपली और इतना नेचुरल तरीके से परफॉर्म कर पाती। साथ में वेदांग रैना, मनोज पावा, विवेक भाई जिन्होंने विलन का किरदार किया है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, विलन का भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। एक मुत्तू करके कैरेक्टर है पुलिस ऑफिसर का, तो सारे जो सपोर्टिंग एक्टर्स है, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, वो भी स्ट्रॉन्ग है। फिल्म की कहानी अच्छी है, लेकिन वासन बाला का स्टोरी टेलिंग एंड डायरेक्शन इस कहानी को और एंगेजिंग एंड कह सकते हैं कि दिल को छू लेने वाला बना देता है। फिल्म के अंदर कई सारे वाव मोमेंट्स हैं, खास करके वो प्रिजन ब्रेक सीक्वेंस के अंदर। फिल्म के लास्ट 20 मिनट्स हार्डकोर एक्शंस हैं, वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड एक्शंस, जिसमें आपको आलिया भट्ट का यानी कि सत्या का रौद्र रूप दिखेगा, लेडी एनिमल दिख जाएगी। एट द सेम टाइम वो लास्ट के 20 मिनट इमोशनल भी है। अब ये इमोशनल क्यों है, ऐसे कौन से ट्विस्ट आते हैं, ये आप फिल्म में देखना। फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन के पुराने सॉन्ग्स का तड़का भी डाला हुआ है, खास करके वो यारी है, ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, और फूलों का तारों का सॉन्ग्स तो आपने देखा ही है। तो सॉन्ग्स के अंदर भी कहानी चलती रहती है, चलो गाना गाने का टाइम हो गया, एक गाना डाल देते हैं, ऐसा नहीं हुआ, थैंक गॉड। इसी वजह से फिल्म एंड तक पकड़ कर रखती है। ओवरऑल बात करें तो यस, फिल्म मुझे अच्छी लगी, मुझे वर्थ वॉचिंग लगी, वो लव स्टोरीज एंड मास मसाला वाला कंटेंट से हटके कंटेंट है। धर्मा प्रोडक्शंस का ये ट्रैक मुझे अच्छा लगा, किल, जिगरा जैसी मूवीज और आनी चाहिए, कुछ हटके, कुछ अलग। अभी आपकी बारी है, अगर आपने देख ली है जिगरा मूवी तो कमेंट्स करके बताओ कि आपको कैसी लगी। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय, टेक केयर, जय हिंद।